कश्मीर पर हमारी खास पेशकश 10 का दम देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सारिका और हमारे साथ मौजूद है पूरा का पूरा मेहमानों का एक ग्रुप। पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह हमारे साथ हैं, अमित भंडारी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम ललोत्रा हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे हम। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे युवराज और सहवाग का हर प्लान फेल कर देंगे और इसके साथ ही सायरा और शैली भी अपने फेवरेट टीम्स के बारे में हमें बताएंगी। तो आरसीबी वर्सेस पुणे था, यानी ये माना जाए कि विराट वर्सेस धोनी था, मनिंदर सर ये माना जाए, लेकिन ये भी माना जाए साथ साथ कि अभी भी ये विराट का युग है पर धोनी का जलवा कायम है। देखिए, जादू जाता नहीं है और हम शुरू से बात कर रहे थे शो के ऊपर कि उनको ऊपर अगर बैटिंग कराते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और टीम के काम आएगा। और कल उनको नंबर 4 पर भेजा गया बैटिंग करने, हालांकि 25 बॉल में 28 रन बनाए लेकिन वो इम्पैक्ट वाले 28 रन थे जब ज़रूरत थी। उसके बाद मनोज तिवारी ने जो आके किया 250 की लगभग स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उससे गेम पूरी तरह से बदल गई। लेकिन जहाँ तक बैंगलोर की टीम का सवाल है, उनका रिदम ही नहीं बनाया अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि विराट कोहली जो पहले 2-3 मैच नहीं खेल पाए इंजरी की वजह से, वहां से वो लय उनकी बन नहीं पाई। क्योंकि आपका कैप्टन अगर बाहर बैठा हुआ है, आप किसी और से कैप्टनसी करा रहे हैं, वॉटसन से कैप्टनसी करा रहे थे जो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो उनका भी आइडिया होगा क्रिकेट का, लेकिन मैदान के ऊपर अगर आप कंसिस्टेंटली खेलते चले जा रहे हैं तो आपके आइडियाज काम भी आते हैं। सो वो एक इनके साथ बहुत बड़ी परेशानी है। क्या काम नहीं आ रहा अमित, क्योंकि ये लग रहा है कल काफी झल्लाए हुए दिखे थे विराट कोहली और उन्होंने ये कहा था कि बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ नया करना पड़ेगा। क्या नया कर सकते हैं विराट, वैसे इशारा क्या है? देखिए, टीम का जो डिसीजन ऐसा लगा जैसे टॉस के बाद पहले मैच अगर मुंबई वाली बात करें बैटिंग की, तो 140 रन बनाना मुश्किल था मुंबई के लिए, तो कल खुद टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग करा दिया। तो यहाँ पे भी एक डिसीजन मैं मानता हूँ गलती, क्योंकि आप जब 3 स्पिनर से खेल रहे हैं तो आप दूसरी टीम को क्यों नौता दे रहे हैं पहले बैटिंग करने का, खुद पहले बैटिंग कर स्कोर बनाओ। 3 जो स्पिनर्स यूज करने थे तो तीनों स्पिनर यूज हो सकते, कल देखा जाए चहल ने खाली एक ही ओवर डाला, तो यहाँ देख सकते हैं कि रणनीति जो थी वो कहीं ना कहीं चेंज आई, क्योंकि जिस तरह का विकेट खेल रहा था वो स्लो साइड था। एक छोटा सा चेंज जो विराट कोहली ला सकते हैं, जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश ना करें, अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ना लें कि मुझे ही करना है, अगर मैं कूल से कुछ सीखें, कूलनेस बरकरार है उनको पता है। लेकिन एक बात बताइए, कोहली की टीम में धाकड़ बल्लेबाज है, गेल का खेल भी नहीं चल रहा है और खेल उल्टा बिगाड़ ही रहे इनका। एक बात शुरू से सब एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि गेल के साथ ये हो रहा था, जब तक ये चल रहे थे पिछले 2 सीजन और ये पर्पल कैप थे तो इनकी शुरू से खामी बहुत बड़ी थी, सिंगल्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। अब अगर उनमें वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी नहीं आ पा रही है और गेंद से बड़े बड़े सिक्सेस नहीं मार रहे, बाकी जो बैट्समैन आते जो नीचे है वो बॉल वन से मार नहीं सकते, तो थोड़ा उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर एटलीस्ट वो जितना टीम में रहते हैं जब उनको पिक किया जाता है एटलीस्ट वो स्ट्राइक रोटेट करना शुरू करे ताकि जो रन रेट है वो कायम रहे। लास्ट 2 मैचेस में आप देख रहे हैं गेल ने जो पारियां खेली है 150 के स्ट्राइक रेट से है नहीं है, और जो दूसरे बल्लेबाज है वो आउट हो जाते हैं 30 रन करके 25 बॉल पे या 20 रन करके 15 बॉल पे, उससे टीम को भी बेनिफिट नहीं हो रहा। एक और छोटी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे सर बता रहे थे कि पहले पिछले 4 सीजन में ये तीनों की टिकड़ी थी, जैसे कि एबी डिविलियर्स, वॉटसन, ये तीनों में से 2 एटलीस्ट फॉर्म में चल रहे थे। आप सीजन के शुरू में देख लो ना, तो गेल फॉर्म में ना शेन वॉटसन ले रहे थे, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले और इसकी वजह से पूरी टीम फॉर्म में नहीं है, और वो एक बद्री को लिया एज ए दूसरा स्पिन विकल्प। तो हम ओवरसीज प्लेयर सिर्फ 4 खेल सकते हैं, अगर शामिल बद्री को आप ले आए तो जगह जो बाकी 3 की रह गई है 4 में से सिर्फ 3 खेल सकते हैं। ये और बहुत बड़ी भरोसा करना है, किस पर ना भरोसा करना है ये अब विराट कोहली को देखना होगा। लेकिन भरोसा आपने कल धोनी पर किया था, आपसे भी इस बारे में बात करेंगे। तो वैसे कल स्टोक्स ने एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि धोनी अगर उनकी टीम में है तो हर पिच हर ग्राउंड उनका होम ग्राउंड रखता है, इतना भरोसा स्टोक्स ने जताया। सारा आपने भी कल भरोसा जता दिया था। बिल्कुल, विराट जब खेलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विराट जब नहीं खेल रहे थे मैं उनका इंतजार कर रही थी, वो कब टीम में आएंगे, चोटिल थे, वो आए धमाकेदार शुरुआत की। कल मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, मैं मणि सर से भी यही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आज कम से कम जो कैप्टन कूल माही हैं उनके जो बल्ले से अभी तक रन नहीं निकले हैं अब निकले, और मुझे लगता है कल उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब तक जो बोल रहे थे कि कैप्टन कूल रन नहीं बना पा रहे हैं, कल रन बना दिए और सबके मुंह को बंद भी कर दिया है। हाँ। वैसे शैली, होम ग्राउंड था विराट का लेकिन धोनी के नारे लग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राइजिंग पुणे जो टीम है एक बार फिर से राइज होकर आई और उन्होंने जीत को अपने नाम कर लिया, 27 रन से वो जीत गए। और इस टीम के जो प्लेयर्स थे, स्पेशली बेन स्टॉक्स की आपने बात करी, 14.3 करोड़ के जो वो प्लेयर हैं उन्होंने अपनी वर्थ प्रूफ कर दी कि हाँ वो ऑलराउंडर प्लेयर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे। और इसके अलावा शार्दुल की आप बात कर लो या फिर मनोज तिवारी के कैमियो की, जबरदस्त कैमियो की। लेकिन अभी मनि सर ने बोला कि कल आरसीबी फॉर्म में नहीं थे, क्या उसका कारण ये भी हो सकता है कि कल पिच बेंगलुरु की बहुत स्लो थी जिसकी वजह से इसका फायदा पुणे टीम को मिल गया था सेकंड इनिंग्स में? लेकिन आरसीबी तो फॉर्म में नहीं ही नजर आ रहा, लेकिन पिच दोनों टीमों के लिए एक ही थी, कोई पिच चेंज नहीं हुई।
केवल अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली को अब ये सोच के मैदान पर उतरना चाहिए कि मैं 20 के 20 ओवर खेलूंगा और अपने से तेज खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो वैसे ही रन बॉल तो मिनिमम बनाते ही हैं और एक बार उनको पिच की उछाल का और स्पीड का पता चल जाए तो फिर वो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर बहुत तेजी से खेलने की कोशिश करते हैं, हमने कई बार देखा है T20 क्रिकेट में वो अपनी विकेट खो बैठते हैं और उसका नुकसान आरसीबी की। यानी जिस तरह से कैप्टन कूल भी इस बार कैप्टन ना होते हुए भी किसी और की कैप्टनसी में पूरी कूलनेस के साथ खेल रहे हैं, कुछ वैसी कूलनेस की उम्मीद विराट कोहली से भी करनी होगी। सो सनराइजर्स वर्सेस किंग्स यानी वार्नर्स बनाम मैक्सवेल, तो मनी सर क्या कहें, एक के पास ऑलराउंडर्स हैं, एक के पास बैटिंग सही, बॉलिंग कमजोर। देखिए हैदराबाद की टीम का बैलेंस बेहतर लगता है पेपर के ऊपर अगर आप देखें, लेकिन पंजाब की टीम का भी बैलेंस काफ़ी अच्छा है लेकिन उसे मैदान पर कंसिस्टेंटली उतार नहीं पाए। सो ये बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, वैसी पिच नहीं है जहाँ बॉल रुक कर आ रहा है, फंस कर आ रहा है, बैट के ऊपर अच्छी तरह से आएगी और दोनों टीमों के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो ऑन द डे सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। लेकिन मनी सर पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो गई मैक्सवेल पे, जब वो रन बनाते हैं तो टीम जीत जाती है एंड देन उनका फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इस पर आई थिंक जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी तो टीमों के जीतने में कंसिस्टेंसी है। अमित, वैसे कॉन्फिडेंस की बात कहें तो होम ग्राउंड पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है क्या, जिसका होम ग्राउंड उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा? अपने विकेट तो बना सकते हैं और हैदराबाद को पता कि उन्होंने किस स्ट्रेंथ पे खेले और जो अभी आंकड़े दिखाए चैनल पे उसमें ये देख रहे हैं कि 22 विकेट 3 बॉलर ने लिए जबकि 4 मैच खेले, अगर 40 में से 22 विकेट आपके 3 बॉलर ले रहे हैं कहीं ना कहीं बॉलिंग स्ट्रेंथ हैदराबाद की मजबूत नजर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब से। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की भैया करके बैलेंस बहुत है और बॉलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज है कि गेम हमेशा बॉलर ही जिताता है, बैट्समैन तो जिताता अपने, जो 2020 के गेम है बॉलर्स पर ज्यादा डिपेंड है क्योंकि आपके जो कॉम्बिनेशन होगा 5 बॉलर का वो आपका मैच बताएंगे वो किस तरफ जाएगा। बॉलर्स के मामले में भी फिर सनराइजर्स के पास बॉलर्स ज्यादा, देखिए तभी कह रहा हूं कि तभी वो लास्ट ईयर के चैंपियन के बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अगर आप उनके देखें वो हमेशा 4 मीडियम पेसर से खेलते हैं, एक स्पिनर ही खेलता है और जो भी उन्होंने स्पिनर साल लिया रशीद खान अफगानिस्तान का तो वो भी उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, तो ये एक चीज दिखाते कि जो उनके पैकेज था उनका पैकेज अच्छा यूज हो रहा है पर उनकी बैटिंग 5 और 6 पे अभी भी मुझे थोड़ी डाइसी नजर आ रही है। बड़ा पैकेज बड़ा धमाका वाली बात। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा जो ये बोल रहे थे कि बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट इतने अच्छे सीमर्स है कि 2 खिला सकते हैं नेहरा और भुवनेश्वर, और बांग्लादेश के जो थर्ड सीमर है रिजर्व जो अपने वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं मुस्तफिज और रहमान, उसको बाहर भी रख सकते हैं। बैटिंग का जो बोल रहे थे काफी 2 मैचेस में उन्होंने दीपक हुड्डा और नमन ओझा को खिलाया, अगर बैटिंग स्ट्रेंथन करना चाहते हैं क्योंकि राशिद खान नीचे बॉलिंग में तो वो विलियमसन को ला सकते हैं, अभी तक हमने विलियमसन को देखा नहीं है तो ये एक विकल्प उनके पास है, क्योंकि अगर देखा जाए ये रन तो तीनों ने बनाए बट तीनों ने एक साथ क्लिक नहीं किया। ट्रंप कार्ड की जो बात हो रही थी, क्या युवराज ट्रंप कार्ड होंगे? युवराज ट्रंप कार्ड डेफिनेटली हो सकते हैं, युवराज हाल में तो कुछ खास रन बना नहीं पाए पिछले मैच में, बड़ी शानदार शुरुआत। आज इनसे पूछ लेना कहां जाएंगे, किंग्स इलेवन पंजाब भी है और युवराज सिंह भी हैदराबाद जाएंगे कि बताइए सारा। नहीं अब आज ये सवाल मुझसे मत पूछिए कि हैदराबाद की तरफ जाऊंगी या पंजाब की तरफ जाऊंगी, प्रेशर आ गया कल की प्रेडिक्शन सही हो गई, प्रेशर आ गया, डिप्लोमेटिक हो रही है। नहीं वैसे मैं कई बार हैदराबाद की तरफ जा चुकी हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जबरदस्त टक्कर थोड़ी सी रहेगी क्योंकि प्रेशर दोनों पर है, दोनों दो दो मैच हारते हुए आ रही हैं, अंक तालिका पर 4-4 नंबर पर हैं, तो बराबर की टक्कर जिसे बोलते हैं ना वो आज देखने को मिलेगी, लेकिन कौन फेवरेट है वो आज मैं बिल्कुल नहीं बताऊँ। प्रीति जिंटा का दिल कौन तोड़ेगा, युवराज तोड़ देंगे आज? प्रीति जिंटा का मुझे नहीं पता लेकिन मैं हैदराबाद का दिल नहीं तोड़ना चाहूंगी। जैसे सबने कहा कि टीम बहुत ही कंसिस्टेंसी है टीम में, बॉलर्स टीम की वो उनकी जो बॉलर्स है टीम वो बहुत स्ट्रांग है, भुवनेश्वर की बात करो, राशिद खान की बात करो, युवराज सिंह ऑलराउंडर, तो आई गेस जैसे आपने कहा कि आज मैं किसके तरफ रहूंगी तो शायद युवराज सिंह को आज भी मेरा वोट जाएगा एंड लेट्स सी हु विंस। तो लेट्स सी कि युवराज शायद आपका दिल ना तोड़े, रिजल्ट शो पे नहीं आएंगे इनके, युवराज सिंह शायद आज इनका दिल ना तोड़े और कुछ बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं, वैसे किसका दम दिखेगा।